Hello everyone, my name is Bhavuk Goyal. I have secured All India Rank 88th in UPSC CAPF AC Examination 2020. Firstly, I would like to thank Abhipeeta Defense Platform for helping me to achieve this target. Special thanks to Atul sir who conducted mock interviews for me and gave his valuable feedback. So, इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि अगर कोई सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है वो अगर CAPF का एग्जाम देना चाहता है तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो अलग से हमें पढ़ने की ज़रूरत है. सो सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर देखे हों इसके, हम स्टार्ट करते हैं पेपर वन से. पेपर वन में स्टैटिक साइंस की अगर आप देखें तो अराउंड 20 क्वेश्चंस हर साल आते हैं. तो सिविल सर्विसेज में हम यूजुअली इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं क्योंकि साइंस जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आती है. स्टैटिक साइंस के लिए मैंने अरिहंत की मैकबुक को फॉलो किया था. उसके अंदर बहुत क्रिस्प फॉर्म में NCERTs को कंपाइल करके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के अराउंड 50 पेजेस ईच बनाए हुए हैं और वो बहुत हेल्पफुल हैं. अगर ज़्यादा नहीं तो अराउंड 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस 2020 के प्रीलिम्स में पेपर वन में इसी से आए होंगे. सो उससे बहुत हेल्प मिली मेरे को. उसके बाद अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, हालांकि सिविल सर्विसेज में सीसेट का एग्जामिनेशन होता है बट हमें पता है कि वो क्वालिफाइंग है, इस एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत करना मतलब बहुत डेंजरस है क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते इसमें. तो उसमें हर टाइप का क्वेश्चन हमें करना है, वर्क टाइम प्रॉब्लम हो चाहे प्रॉफिट लॉस हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो, हर टाइप का क्वेश्चन हमें करके जाना है उससे, ताकि एक भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का गलत नहीं होना चाहिए. देन उसके बाद है डिफेंस. डिफेंस से रिलेटेड हार्डली एक या दो क्वेश्चन आते हैं बट वो भी एक और दो क्वेश्चन भी बहुत मैटर करते हैं. जैसे हमारे टाइम पे आया था कि हु इज़ द इक्विवेलेंट रैंक इन आर्मी टू विंग कमांडर लाइक दिस. सो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा. उसके बाद एक टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स. हम यूजुअली सिविल सर्विसेज में मैक्रो इकोनॉमिक्स से फोकस करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल, आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स के लिए है फेमस. मृणाल के लास्ट के 3-4 चैप्टर्स पर्टिकुलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं. उनमें से आप देख सकते हैं कि जैसे गिफन गुड्स, इलास्टिसिटी, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब चीज़ों पे आप ध्यान दें ताकि जो इसमें से 2-3 क्वेश्चंस यूजुअली हर साल आते हैं वो आपके गलत ना हो. उसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो है एंशियंट और मिडिवल. एंशियंट मिडिवल हम यूजुअली पढ़ते तो हैं सिविल सर्विस के लिए, इसके अंदर हमें थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज पे फोकस करने की ज़रूरत है. आपके जो भी सोर्सेज हैं एंशियंट मिडिवल के, आप उसको चेंज मत कीजिए, उसी में बस आप फैक्चुअल नॉलेज पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं. देन उसके बाद अगर पेपर टू की बात करें, एसेज हैं, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सब अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. एक चीज़ इसके अंदर ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक पे ध्यान दें. यूजुअली एक ना एक ऐसे होता है जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, वो भी हम यूजुअली GS 3 में पढ़ते हैं तो आप उसको हैंडल कर लेंगे. इसके अलावा एक चीज़ है प्रेसी. प्रेसी आती है 15 मार्क्स की. हम यूजुअली उसको इग्नोर कर देते हैं कि इसको तो 1/3 करके लिखना है तो उसी में से वर्ड्स उठा उठा के लिख लेंगे, बट नहीं, प्रेसी के कुछ रूल्स हैं जो आप नेट से आप डायरेक्टली देख सकते हैं. मैंने भी पेपर टू के लिए नेट से ही हेल्प ली थी. प्रेसी पे आप फोकस करें, उसमें रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज बहुत कम मार्क्स मिलते हैं प्रेसी में अगर आप उसी में से लाइन्स उठा उठा के 1/3 कर देंगे उसको, ये चीज़. दूसरी चीज़ है ग्रामर. ग्रामर के हर एक पॉइंट के मार्क्स हैं. अगर आप एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है, पैसिव टू एक्टिव चेंज करना है, इन सबको आप नेट से देख देख के एक एक मार्क फेच करेंगे प्लीज़. इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा मेरिट लिस्ट में अगर आप देख पाएंगे कि हर एक मार्क पे 5-5, 6-6 स्टूडेंट्स होते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और भी जो भी एरर करेक्शन है, ये सब चीज़ें आप एक एक चीज़ पुराने पेपर्स उठा के, कुछ रूल्स उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप उसको अच्छे से करें तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी. एट लास्ट मैं यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. होप आप सभी इस एग्जाम को क्लियर करेंगे बहुत जल्दी. थैंक यू.